63 2 नंबर गियर में 83 3 नंबर गियर में 113 फुल कॉन्फिडेंस देगा भगाने में और ब्रेकिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज वीडियो तगड़ा होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ टॉप स्पीड चेक FZS V4 BS6 फेज 2 का और ये न्यू कलर है। बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग कल ही हुआ था और आज फर्स्ट सर्विसिंग के बाद टॉप स्पीड चेक करने वाला हूँ। बाइक का लुक चेक करो, सभी को पसंद आता है, मतलब जो देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि बाइक का जो कलर है बहुत ही मस्त है और मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए इस कलर को पिक कर लिया। और ये कलर जो है वो 3 महीने पहले आया था, 2-3 महीने पहले आया था। और इसमें TCS भी है, TCS को ऑफ करके भी चेक करने वाला और TCS को ऑन करके भी चेक करने वाला, दोनों ही आपको देखने के मिल जाएगा। तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से, राइड करते हैं। और ऐसा कुछ मीटर है MT, पहले जो MT में मीटर आता है वही मीटर इसमें दिया है। तो मीटर तो बहुत ही मस्त लगते हैं मुझे भाई इस बाइक में। मीटर और ये जो कलर है सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। तुम लोगों को क्या पसंद है इस बाइक में वो कमेंट करके जरूर बताना। चलो भाई, मस्त भागता है भाई। ऐसे तो नॉर्मली इसमें पावर ज्यादा नहीं है, 149 सीसी का इंजन है, फिर भी इसमें जो पावर है, टॉर्क है 12-13 का है। पावर तो बहुत ही कम मिलता है, पावर ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है। तुम लोग अगर चाहते हो सिटी में राइड करने के लिए, लॉन्ग राइड करने के लिए, लुक वाइज भी बढ़िया हो, माइलेज कंफर्टेबल, ओवरऑल सब कुछ चाहिए तो तुम्हारे लिए ये बाइक है। क्योंकि इस बाइक को लेकर तुम लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, तुम सिटी राइड भी कर सकते हो, इसमें कंफर्टेबल भी बहुत ही बढ़िया है, माइलेज भी बहुत ही खतरनाक मिलता है। और इसका जो कंफर्टेबल है तो भाई A1 है, A1 और फैमिली के लिए भी ये बाइक है। ओवरऑल सब मस्त है इस बाइक में। तो यहाँ पर भाई ट्रैफिक खतरनाक लग चुका है और हम लोग यहाँ पर मतलब उसके बाद वेस्ट बंगाल में नंबर प्लेट आने में 2 महीने लग जाता है, तो मेरा तो 1 महीना हो चुका है, फिर भी नंबर प्लेट का कुछ आता पता नहीं है। मतलब एक OTP लेता है, तो OTP नहीं लिया अभी तक, OTP लेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा मेरा नंबर प्लेट के लिए, मतलब 8 से आएगा अप्रोक्स। भाई अभी टाइम लगेगा 1 मंथ, मतलब 2 महीने में नंबर प्लेट आता है। यहाँ पर नंबर प्लेट इतना टाइम के बाद मिलता है, ये तो लीगल नहीं इलीगल है, मतलब शोरूम वालों के तरफ से भी इलीगल है और हम लोगों की तरफ से भी इलीगल है। शोरूम वालों को बेचना नहीं चाहिए और हम लोग को चलाना नहीं चाहिए विदाउट नंबर प्लेट। फिर भी क्या ही कर सकते हो, 1-2 महीने कौन रखेगा बाइक घर पे खरीदने के बाद। शोरूम वालों को जल्दी से जल्दी नंबर प्लेट देना चाहिए, 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक इसके अंदर ही नंबर प्लेट दे देना चाहिए कस्टमर को, लेकिन नहीं देता है और कस्टमर को भी नहीं चलाना चाहिए। फिर भी क्या ही करो, कस्टमर क्या ही करे, बाइक लेकर न्यू बाइक लिया है और ऐसे घर पे रख दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। विदाउट नंबर प्लेट कोई बाइक चलाएगा और पुलिस जो बाइक है उसको पकड़ के सीज भी कर सकता है। और यहाँ पर टॉप स्पीड क्यों चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाईवे है और यहाँ पर ट्रक वगैरह बहुत चलता है, इसीलिए बाईपास जाके चेक करने वाला हूँ इसका टॉप स्पीड। सीधा है सिलगुड़ी, डालखोला, मालदा और यहाँ से शुरू हो रहा है न्यू बाईपास, बहरमपुर न्यू बाईपास। तो अभी चेक करते हैं 1 नंबर गियर में कितना जाती है FZS V4 BS6 42 भाई 1 नंबर गियर में 63 2 नंबर गियर में 83 3 नंबर गियर में 2 नंबर गियर में। अभी चेक करते हैं इसका टॉप स्पीड। TCS को ऑफ करने के बाद कितना जाती है टॉप स्पीड। इस बाइक में 5 गियर है, 6 गियर नहीं है, 5 गियर तक ही है, तो 5 गियर में ऐसा कुछ था। अभी करते हैं इसका TCS ऑफ। बहुत इजी है TCS ऑफ करना, पहले बाइक को करना है ऑन, उसके बाद यहाँ पर TCS आ जाएगा और जो राइट साइड है इसको होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑफ हो चुका है और यहाँ पर लाइट भी आ चुका है TCS का। तो अभी करते हैं विदाउट TCS इसका टॉप स्पीड चेक, पहले न्यूट्रल करते हैं। चलो लेट्स गो। 42 83 यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रोड खत्म हो जाएगा। खराब बाईपास भाई पहले बहुत बढ़िया था, अभी के टाइम पे ज़्यादा सही नहीं है। यहाँ पर रोड है खराब, तो देखते हैं फिर इसे और एक बार ट्राई करते हैं। ऐसे तो नॉर्मल इसका जो टॉप स्पीड आया है वो 113 आया है, देखते हैं 15 तक जो टॉप स्पीड है वो आती है या नहीं। और अभी तो फर्स्ट सर्विसिंग हुआ है इसका, जो सेकेंड और थर्ड सर्विसिंग है उसके बाद और भी पावर इंक्रीज होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो तुम लोगों के पास अगर FZ है, मतलब FZ वर्सन 3 या 4 या तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम जानते हो कितना टॉप स्पीड जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि FZ में एक्चुअली कितना टॉप स्पीड देती है। टॉर्च चेक करेंगे ऐसा सोच के रखा था, तो आज इसलिए आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और टॉर्च चेक करने के लिए। ऐसे तो नॉर्मली टॉर्च चेक करने के लिए आया था कि इसके अंदर कितना जान है वो देखने के लिए। ब्रेकिंग बहुत ही मस्त है इस बाइक में, तो फुल कॉन्फिडेंस देगा भगाने में। और ब्रेकिंग में ऐसा नहीं लगेगा कि ब्रेक नहीं लगेगा, ठूक जाएगा, खतरनाक ब्रेक है। मतलब ब्रेक में आपको कमी बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसमें, और इसको आज बहुत मस्त तरीके से भगाया। मतलब दिल खुश हो गया आज राइड करके। ब्लॉग ज़्यादा अच्छा कुछ बना नहीं, लेकिन राइड करके मज़ा आ गया। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड और मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग मोटर ब्लॉगिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।